नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशा। देहरादून के गांधी पार्क में धरना दे रहे बेरोजगारों को देर रात पुलिस ने जबरन उठाने और भर्ती घोटालों के विरोध में आज राजधानी देहरादून में भारी संख्या में पहुंचे युवाओं ने जमकर हंगामा किया। गांधी पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे युवाओं का आक्रोश कुछ ही देर में राजधानी की सड़कों पर दिखने लगा। सड़कें जाम हो गई। जिलाधिकारी युवाओं को समझाने पहुंची लेकिन युवाओं ने एक न सुनी। इस बीच पुलिस द्वारा लाठीचार्ज शुरू करने से मामला और बढ़ गया। वहीं आक्रोशित युवाओं की भीड़ ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी है। बिगड़ते हालात के बीच अब सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया। सीएम ने युवाओं को आश्वस्त किया है कि उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। कहा कि हमने घोटाला किया न दबाया है। उन्होंने युवाओं से किसी के बहकावे में न आने की अपील की है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि युवाओं के हितों की रक्षा करना सबसे पहला दायित्व है। नकल रोकने के लिए कानून बनाया जाएगा। घोटाले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह ने बताया कि लोक सेवा चयन आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से कार्यवाही की गई जबकि परीक्षाओं में जमकर धांधली हुई है। धांधली की वजह से तमाम परीक्षा निरस्त। पुलिस पटवारी वन क्षेत्र अधिकारी लोअर पीसीएस अपर पीसीएस आरओ एआरओ पीसीएस जे प्रवक्ता एई जे की परीक्षाएं दे चुके युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ऐसे में परीक्षा नियंत्रकों पर भी सख्त कार्यवाही की जाएगी।